लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए विष्णुदेव जी कि तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या तैयारियां हैं आपकी? आज लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है और पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव सम्पन्न होना है। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव सम्पन्न होगा और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। काहे कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता हमेशा लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहते हैं। 3 चरणों में चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं आपको फिर जनता के पास जाना पड़ेगा। क्या लगता है कि 11 की 11 सीटें इस बार बीजेपी की झोली में जाएंगी? मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन कितना काम आएगा इस बार? पूरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर में, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के ऊपर में, कि इस बार 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको ध्येय वाक्य मानकर जो काम किया है पूरे देश के अंदर में, गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हित में जो काम किया है, आज देश का एक एक बच्चा प्रधानमंत्री जी से वाकिफ हो चुका है। और हम लोग भी यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी मात्र 3 महीने में मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वादे पूरे किए हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने कम समय में इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं। शायद इसीलिए आपकी सरकार को 90 दिन से अभी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष को अभी तक कोई मुद्दा नहीं मिला है आपके खिलाफ। बिल्कुल कोई मुद्दा उनको मिला भी नहीं है और मिलेगा भी नहीं उनको कोई मुद्दा, और पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी समय जीतेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें अगर, तो आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तेलंगाना जा रहे हैं, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, वहाँ भी जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ की 11 सीटें के अलावा वहाँ भी जो है बीजेपी अपना कमाल कर पाएगी? क्योंकि मोदी जी ने नारा दिया है कि 400 पार अब की बार बीजेपी। हाँ, अब की नारा है अब की बार 400 पार। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 282 सीट मिली थी और 5 वर्षों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए खूब काम किया, तो अगला जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 सीट मिली। और अब 10 वर्षों का काम देश की जनता के सामने में हमारे प्रधानमंत्री जी का है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 से ज़्यादा सीट प्राप्त करेगी और NDA 400 पार करेगी। तो बिल्कुल ये है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी और देश में जो है NDA 400 से ज़्यादा सीटों के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, ABP News, रायपुर।